भी कहना ये चाहता हूँ, मैदान से भागने की आवश्यकता नहीं है। जिस मैदान में खेल रहे हो उसी मैदान में डटे रहो, मैदान छोड़ने की, मैदान में से भागने की कुछ आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है अपने आप को बैलेंस करो, आवश्यकता है अपने आप को संतुलित करो। जैसे आप संतुलित करोगे, बैलेंस करोगे, उसी मैदान में आपको सफलता प्राप्त होगी। धंधे छोड़ के भागने की आवश्यकता नहीं है, व्यवसाय छोड़ के भागने की आवश्यकता नहीं है, धंधे बदलने की आवश्यकता नहीं है। बदलना अपने को, आप बदल जाओ सारा विश्व बदल जाएगा, सारा संसार बदल जाएगा। हम अपने आप को छोड़ के सबको बदलने की कोशिश करते हैं, सबको सुधारने की कोशिश करते हैं, और उस सुधारने में खुद बिगड़ते 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 चले जाते हैं। यही मंत्री जब मेरे सामने आता था तो मेरे सामने तंबाकू का पाउच फाड़ करके खाता था। साधक उसको खूब गालियां देते थे, अरे बेशरम, तू मंत्री हुआ तो क्या हुआ, स्वामी के सामने तंबाकू खाता है? वो कुछ नहीं बोलता था, हंसता था। लेकिन कुछ महीने के बाद उसने अपना अनुभव बताया, मैं भी जानता था स्वामी के सामने तंबाकू नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैं जानता था जब भी स्वामी के सामने तंबाकू खाऊंगा स्वामी इच्छा करेंगे इसकी तंबाकू छूट जाना चाहिए। आज मेरी तंबाकू छूट गई। तंबाकू छोड़ने का उसका तरीका बड़ा बिरला था, लेकिन शुद्ध मन से था, शुद्ध इच्छा से। वो जानता था अच्छी चीज के सामने बुरी चीज टिक ही नहीं सकती। मैं छोड़ने की कई बार कोशिश कर रहा हूं, कई बार प्रयत्न कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं मेरी तंबाकू छोड़ नहीं पा रहा हूं। उसने वही सहारा लिया। इसीलिए कई बार अगर आप व्यसन करते हैं तो व्यसन करते समय मेरे को प्रार्थना करके व्यसन करो, व्यसन छूट जाएंगे। एक एरिया में आप गए, उस एरिया में शराब नहीं मिलती थी, इसलिए चार दिन आपने शराब नहीं पी। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके घर में शराब का अंबार भरा पड़ा है फिर भी आप शराब नहीं पी रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। जो कुछ होना चाहिए वो शाश्वत होना चाहिए, जो कुछ होना चाहिए वो भीतर से होना चाहिए, जो कुछ होना चाहिए वो अंदर से होना चाहिए। ऐसा जब अंदर से आपके भीतर चेंज आएगा, जब आपके भीतर बदलाव आएगा, तो आपका विशुद्धि चक्र विकसित हो जाएगा। और विशुद्धि चक्र विकसित होने के बाद आपके भीतर विराट का तत्व जागृत हो जाएगा। फिर आपको ज्ञान हो जाएगा सबका मालिक एक है। एक बार परमपिता परमेश्वर के उस स्वरूप से एकाकार हो जाओ, सारी दुनिया ही बदल जाएगी। जीवन में कई खराब व्यक्ति, जीवन में कई बुरे व्यक्ति, जीवन में कभी कभी एकाधा अच्छा गुण लेके चलते रहते हैं, और वो एक गुण ही उनके सारे दोषों को दूर कर देता है। क्योंकि जब ऐसे गुण के साथ वो किसी गुरु के सानिध्य में आते हैं तो गुरु का ध्यान उनके दोषों के ऊपर नहीं रहता। गुरु वो संभावना तलाश करते रहता है, गुरु वो तत्व खोजते रहता है, कौन से ऐसा अच्छा गुण इसके अंदर है जिस गुण को मैं विकसित करूं ताकि इसका जीवन बदल जाए, जीवन में चेंज आ जाए। गुरु का प्रयत्न सदैव आपके भीतर के गुण को तलाशना है। तो जैसे ही आपका गुण क्रियान्वित होता है सारे दोष गिर करके पड़ जाते हैं।
उस गुण को लेके जब आप जीवन में चलते हो और वो गुण किसी गुरु कृपा का पात्र हो जाता है, आपके भीतर एक अमूल्य परिवर्तन हो जाता है। ऐसी एक घटना मेरे जीवन में भी हुई। दो अच्छे गायक मेरे सामने भजन करने के लिए आए, और जब भजन करने के लिए आए तो उन्होंने शिरडी के साईं बाबा के बहुत सुंदर भजन गाए, बहुत अच्छे भजन गाए। उनका यह गुण मेरे मन में आ गया, उस गुण को ही प्रकाशित करने की इच्छा से मैंने उन दोनों को भेंट के लिए आमंत्रित किया। दोनों आके बैठे, दोनों ने नमस्कार किया। जैसे नमस्कार करके उठे, मैंने एक ही प्रश्न पूछा, शिरडी के साईं बाबा के भजन गाने की तुम्हारी लायकियत है क्या? दोनों घबरा गए, दोनों रोने लग गए। फिर उन्होंने अपनी गलतियां बताई, अपनी बातें बताई। मैंने उनको बताया, दो में से एक चीज को करो, या तो ये बुरी बातें छोड़ दो या शिरडी के साईं बाबा के भजन गाना छोड़ दो, दो में से एक करो। गुरु कृपा पवित्र है, गुरु कृपा पुखराज के नग जैसी है, इसको पहनने के बाद अगर आप कोई गलत कार्य करते हो तो पुखराज उसको दुष्परिणाम भी देता है। ठीक उसी प्रकार से गुरु कृपा के सानिध्य में अगर बात गलत बातें साथ रखोगे तो उसके दुष्परिणाम उनको भोगना पड़ेंगे। दोनों रोने लग गए और उन्होंने प्रण किया, हम गलत बातों को छोड़ देंगे, और एक घंटा मुझे भजन सुना करके गए। तो कहने का मतलब, एक भी अच्छा सा गुण आप जीवन में संभाल करके रखते हो और उस गुण पे जिस दिन गुरु कृपा हो जाए, वो गुण ही आपके जीवन में एक अमूल परिवर्तन, एक बहुत बड़ा चेंज, एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। गुरु सदैव गुण को ढूंढते रहते हैं। कई बार आप कोई ज्योतिषियों के पास जाते हैं, कोई ज्योतिषी कहता है कि आपका ये ग्रह कमजोर है, इस ग्रह का नग पहनो, इस ग्रह का मंत्र करो तो ये आपका ग्रह सशक्त हो जाएगा। दूसरे किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, वो कहते हैं आपका ये गुरु स्ट्रांग है, आप गुरु को ही और स्ट्रांग करो तो उसके प्रभाव में बाकी सारे बुरे इफेक्ट समाप्त हो जाएंगे। तो दूसरे ज्योतिषीय शरीर का कार्य गुरु का है, वो आपके भीतर की अच्छी संभावनाओं को खोजता है, अच्छे तत्वों को ढूंढता है, उन्हें प्रकाशित करता है। उनको प्रकाशित करने के बाद उसके प्रकाश में आपके भीतर की सारी बुरी संभावनाएं, बुरी बातें स्वयं ही छूट जाती है। तो विशुद्धि चक्र वो चक्र है जो स्वच्छ होने के बाद, जो पवित्र होने के बाद आपको आपके जीवन में सफलता मिलना शुरू हो जाती है। ध्यान से ही नहीं, गाना गा के भी, वाद्य बजा करके भी आप आपका विशुद्धि चक्र क्लियर कर सकते हैं। अच्छे गाने के साथ ही, अच्छे बजाने के साथ ही आपका विशुद्धि चक्र विकसित होने लग जाता है, और विकसित होने के बाद आपके भीतर का विराट तत्व जागृत हो जाता है और आप उस परमपिता परमेश्वर से समाहित होने के लिए पूर्णतः उपयुक्त और तैयार हो जाती है।
मैं इच्छा करता हूँ आप सभी का विशुद्धि चक्र आज विकसित हो और आज आप सभी लोग आपके जीवन में एक सफल आध्यात्मिक व्यक्ति बन जाए। नमस्कार। समर्पण आश्रम के लिए परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उस आश्रम का निर्माण शीघ्र से शीघ्र हो और आने वाले समय में हजारों आत्माएं अपनी आत्मतृप्ति के लिए, अपने आत्मज्ञान के लिए वहां आए और 2007 तक नवसारी क्षेत्र विश्व में एक ज्ञान के लिए, विश्व में एक आभामंडल के लिए, विश्व में एक आध्यात्मिक प्रगति के लिए जाना जाए।